हाय दोस्तों, वेरी नमस्कार। आज का मोटिवेशन स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं पूर्णता ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ जो है, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में जब भी हम जाएँ तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हम जैसी सोच वाले नहीं होते, क्योंकि सोच हमसे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सोच हमसे बहुत ख़राब होती है। उनके साथ जब भी हम कन्फ्रंट करेंगे, कन्वर्सेशंस करेंगे, टॉक करेंगे, तो क्लैशेस या आउट ऑफ फ्रिक्वेंसी होना इट्स ऑब्वियस वन। और सब लोग उस फ्रिक्वेंसी के आउट ऑफ कंट्रोल होते, अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो बैठते हैं और एंगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्से में कुछ हार्श वर्ड कह देते हैं और उनको बाद में लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाद में वो अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन जब आपने किसी को कह दिया तो वो कह दिया, उसके दिमाग में बात छपती है। तो ऐसी एक स्टोरी है हमारे पास। एक एक मैन है, उसका एक बेटा था, और वो बेटा बड़े जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। इस चिंता को लेके पापा परेशान रहते थे कि ये बच्चा जब बाहर सोसाइटी में जाएगा तो ये अपने आप को कैसे एक्लेमेटाइज, या उस सोसाइटी को में कैसे असिमिलेट होगा, उनको इस बात की चिंता रहती थी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि बच्चे को तो मैंने बड़ा समझाया, ऐसा ये मान नहीं रहा, तो अपने पास उसने कहा, बेटा समाज में अगर हम ऐसे सबसे लड़ते रहे, ऐसे एंगर होते रहे, तो हम लोग यहाँ समाज में फिट नहीं हो बैठेंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे और हम सोसाइटी का पार्ट नहीं रहेंगे। तो चलो हम कोशिश करते हैं, ये ऑब्वियस है, वी आर ह्यूमन बींग, और हम में गुस्सा आना एक ऑब्वियस बात है, लेकिन हम इसको कोशिश तो कर सकते हैं कि अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल करें। तो वो उनको कंट्रोल करने की एक विधि बताते हैं, उनको एक टास्क पे लाते हैं। तो वो एक बैग देते हैं, बैग में बहुत सारे किल नेल होते हैं और एक हैमर देते हैं, और अपने घर की एक बड़ी सी दीवार उसको दिखाते हैं कि ये एक फेंस है, आप फेंस के पास जाओ, जब भी आपको गुस्सा आए तो आपने एक नेल को फेंस में हैमर कर देना है। तो दूसरे दिन से वो टास्क पे लग जाता है। पहले दिन वो बहुत सारे नेल्स को हैमर करता है दीवार पे, दूसरे दिन और कम करता है, 1 वीक में और कम होते हैं, 2, 4, 5 वीक के बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो एक भी नेल को हैमर नहीं करता। कहने का मतलब है उसने किसी की एक भी बात पे उस दिन जो है गुस्सा नहीं किया, उसको लगा कि मैंने अभी अपने जो गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है। पापा के पास जाता है हैप्पीली, कहता डन पापा, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, कि आज मैंने एक भी नेल को हैमर नहीं किया है, इसका मतलब मैंने पूर्णतः गुस्से को कंट्रोल कर लिया। पापा कहा ठीक है, चलो बेटा आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो अभी आप उसी टेम्पर को कि मैं कंट्रोल लूँ, कोई बात भी करे तो मैं गुस्सा नहीं करूँ, जिन नेल्स को आपने हैमर्ड किया उस फेंस में उनको एक एक करके बाहर निकालो। तो 2-4 हफ्ते में उसने ये टास्क भी कर दिया कि सारे जो नेल थे वो बाहर निकाल दिए। तो पापा के पास गया, पापा देखो मैंने सारे नेल बाहर निकाल दिए। पापा उसको पास लेके जाते हैं, वो दीवार को दिखाते हैं, कहते हैं आप देखो क्या ये वो फेंस जो हैमर से पहले वाली फेंस है? नहीं है, अभी हम कुछ भी करें, इसको चाहे रिपेयर करें, लेकिन जो हमने इसमें हरकत की है, जो हमने नेल इसमें हैमर किए हैं, उन्होंने इसमें ऐसे होल किए हैं कि वो भरने पे भी पूरे वैसे नहीं भर पाएंगे। ऐसी ज़िंदगी होती है जब कभी हम किसी पे गुस्से में हार्श वर्ड को कहते हैं और फिर उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं, जहाँ हम जब हमें ऐसा लगे कि मैं इन बात पे माफ़ी भी मांग लूँगा उन हार्श बातों को कहते वक्त, तो वो माफ़ी मांगने पे भी जो दिमाग पे उसका इम्पैक्ट होता है उस बंदे में, वो जाता नहीं है। हम एक बार किसी को बात कह दें, वो बात वापस हम उसको अपनी छवि वैसी उसके दिमाग में नहीं बिठा पाते। ये डॉक्टर की तरह ही होता है कि एक बार किसी को स्कार लग गया, चाहे आप उसका जितना मर्जी ट्रीटमेंट करो, वो निशान चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो रहता ही है। ऐसे जब हम हार्श बात किसी के साथ करते हैं तो वो हार्श जो बात उसका इम्पैक्ट उसके माइंड में वो थ्रूट रहेगा, और वो कभी भी आपको वो पहली वाली रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। समाज को अगर हम चाहते हैं सुदृढ़ बने, ये भारतीय समाज अपनी पूर्णता जो पुरानी प्राचीन संस्कृति को प्राप्त करे, हम सबको अपने टेम्पर को कंट्रोल करना चाहिए और हमारे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। हमारा बड़ा ही सहज टेम्परामेंट होना चाहिए और हम सब में घुल मिल के रहना चाहिए। अगर हमें किसी की बात आपत्तिजनक लगती भी है तो बड़े विनम्रता के साथ उसको कहना चाहिए कि मुझे आपकी इस बात पर खेद है, मैं आपसे इतफाक या आपसे सहमत नहीं हूँ। और इसी तरीके से हम इस पृथ्वी को और पर्टिकुलर इंडिया को हेवन बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। अभी भी हमारा एजुकेशन क्वेश्चन काफ़ी पीछे है, बड़े से लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है,
पैसे की टेंशन है सबको, पैसे को मल्टीप्लाई करना सबको आता नहीं है, तो वी हैव टेकन दिस आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इंडिया हैप्पी, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी आने वाली प्रोजेनी पीढ़ी के लिए भी, ये बहुत ही अच्छा देश बने हम इसकी कामना करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैंने पहले भी कहा कि यू आर ए वंडरफुल ह्यूमन बींग्स, वी एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ गॉड जैस नेचर की क्रिएचर है और उसने अपनी बेस्ट तरीके से उसको बनाया है। तो अपना ख्याल रखें, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस वेल करें, हमारा जो आइकन होता है बेल का उसको प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि जब मैं न्यू मोटिवेशनल या एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करूं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में या कहीं पे भी करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपने मुझे विनम्रता से सुना उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।